दर्शकों हरिओम, जय श्री राम। आज आपके सम्मुख बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, अर्थात जिस विषय का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपका राशिफल, पूरे साल का राशिफल। वैसे तो राशिफल दैनिक भी होता है, साप्ताहिक भी होता है, मासिक भी होता है, वार्षिक भी होता है, तो मैं जो राशिफल लेके आया हूँ वार्षिक लेके आया हूँ। इस समय 2078 का राशिफल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। विक्रम संवत 2078 है और शक संवत 1943 है। यदि हम इसको अंग्रेजी साल की बात करें, 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक का समय मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखा गया है? एक तो क्योंकि हम जब भी वर्ष का राशिफल निकालते हैं, वर्ष के राशिफल में मुख्य रूप से चार बड़े ग्रह अर्थात जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं उनकी स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। जैसे शनिदेव 2.5 साल तक अपनी राशि में रहते हैं, इसे मकर राशि में चल रहे हैं, और गुरुदेव जो लगभग अपनी राशि में 13 महीने के आसपास रहते हैं और उस समय मकर से निकल करके कुंभ में आ चुके हैं, और नवंबर के महीने में कुंभ से वक्री होकर के पुनः मकर में आएंगे और नीच के हो जाएंगे। उसके बाद राहु इस समय वृषभ राशि में है और केतु इस समय वृश्चिक राशि में है, तो इनका पूरा ध्यान रखना होगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में है। और इसके अलावा जो वर्ष का राशिफल निकाला जाता है, वर्ष के राशिफल में उस वर्ष का राजा कौन है आकाशीय मंत्रिमंडल में। जैसे इस साल का राजा जो है ना मंगल है, इस साल का संवत का जो मंत्री है आकाशीय मंत्रिमंडल में भी मंगल ही है, अर्थात आदेश देने वाला भी मंगल है और मंत्री अर्थात आदेश का पालन करने वाला भी मंगल ही है। तो इस वजह से मंगल की स्थिति को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते और राशिफल निकालने में। और ऐसे ही आकाशीय मंत्रिमंडल में इस साल का धनेश बुध है, मेघेश भी मंगल ही है और धनेश गुरु हैं। धनेश का गुरु होना शुभ होता है, पर क्योंकि आजकल कोरोना की बीमारी महामारी चली हुई है, इसको भी ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार से आकाशीय मंत्रिमंडल में जो स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा भी लगता है कि एक महामारी तो अभी जो कोरोना नाम की अभी ख़त्म भी नहीं हुई, हो सकता है कि नई महामारी नाम की कोई और बीमारी आ जाए और हमारे समाज को और ज़्यादा परेशान करे, क्योंकि इस साल का राजा और मंत्री दोनों पद क्रोध के कारक ग्रह मंगल के पास है। जब जब मंगल के पास दोनों पद होते हैं तो क्योंकि क्रोध कारक है तो जनता में क्रोध होगा, सरकार के प्रति रोष होगा, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, भाई भाइयों में कलह होगा। तो इस प्रकार से ये सामान्य फलादेश मैं आपको बता रहा हूँ अभी, सभी 12 की 12 राशियों के का, और उसके बाद मैं राशि वाइज भी सभी का अलग अलग बताऊंगा। तो इससे पहले हम शुरुआत करें कि राशि वाइज फलादेश की, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पंडित महावीर भारद्वाज, मोबाइल नंबर है 7027000138। मिलने का समय शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक रखता हूँ कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और जो दर्शक घर बैठे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सएप कर दें तो आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे या कॉलिंग के माध्यम से करेंगे। तो ये तो था, आपने अपना एड्रेस नोट कर लेना है। और अब हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और राशि वाइज फलादेश करने से पहले आपको एक बात और बता दूँ, मैंने मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड किया है राशिफल को, कि राशि वाइज आजीविका कैसी रहेगी, इस साल में राशि वाइज स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस साल का राशि वाइज आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, राशि वाइज परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो परिणाम है वो कैसा रहेगा, और हरेक राशि वाइज घर परिवार और समाज में क्या क्या स्थिति होगी, क्या रुतबा होगा। इन 5 भागों मुख्य रूप से डिवाइड किया है। किसी किसी राशि में बीच में उपाय भी बताता रहूँगा, वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि साल का जो
प्रडिक्शन जो करते हैं मुख्य रूप से चार बड़े ग्रहों को और साल का जो राजा है संवत का राजा और राजा और संवत का मंत्री के आधार पर ही मुख्य रूप से किया जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में आपने ध्यान देना है कि मेष राशि का जो नाम है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चू चे चो ला ली लू ले लो और ऐ, ये नौ वर्ण होते हैं मेष राशि के लिए जिनका नाम इससे है। अर्थात मैं जो राशिफल करवा रहा हूँ वो जन्म राशि करवा रहा हूँ, लग्न राशि नहीं, जन्म राशि। तो अब इसमें क्या होगा, जीविका के संबंध में हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की। वर्ष का जो पूर्वाध है अर्थात पहला आधा भाग है आपके लिए उत्तम रहेगा। पहला भाग आधा भाग अर्थात साल का शुरुआत का भाग अच्छा रहेगा। प्रमोशन के योग भी इसमें बन रहे हैं आपके जो सरकारी नौकरी पे हैं। समय समय पर उच्च अधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा और आपकी कार्य कुशलता और दक्षता के बल पर आप अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे। और यदि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आपको किसी बड़ी कंपनी का साथ मिल सकता है, किसी बड़ी कंपनी से आपका एग्रीमेंट हो सकता है, उसके साथ काम करने का आपको शुभ अवसर मिल सकता है। आर्थिक समृद्धि, मांगलिक कार्य और व्यवसाय में सफलता के प्रबल योग हैं। हाँ, इसमें जैसे आजकल कोरोना की महामारी चली हुई है उसका इफेक्ट तो देखो देश काल और परिस्थिति के आधार पर पड़ेगा, पर सामान्य रूप से जो आपका भला देश है आजीविका के संबंध में ठीक है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। जो लोग डेली वेज का काम करते हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा ख़राब है। बाकी जो बिजनेसमैन हैं या व्यवसायी वर्ग हैं और या हम कहें कि जो नौकरी पेशा वर्ग हैं उनके लिए मेष राशि में लगभग जीवन ठीक चलेगा आजीविका के संबंध में। अब हम बात करते हैं मेष राशि की ही स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य वह जो साल का पूर्वाध है उसमें स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा शुरुआत के समय में, और स्वास्थ्य संबंधी जो गतिविधियां हैं उनके प्रति ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। खाने पीने की वस्तुओं पर परहेज रखो, ज़्यादा तला हुआ ना खाओ। अच्छा, गुरु का जो गोचर है आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु का जो इस समय गोचर है वो मकर राशि से निकल करके कुंभ में आ गए हैं, तो आपके लिए अनुकूल होगा ये। और गुरुदेव दसवें घर से निकल करके और ग्यारहवें घर में अर्थात आय भाव में आ चुके हैं, तो लाभ प्राप्त करेंगे आपके लिए। और इसकी जो दृष्टि है वो आपके धन भाव पर है, शारीरिक आरोग्यता प्राप्त होगी इससे। और इसके अलावा मानसिक शांति और सकारात्मक सोच में भी वृद्धि होगी गुरुदेव की कृपा से। तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य के संबंध में। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों का ही आर्थिक स्थिति के संबंध में। मेष राशि वालों की आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो साल है संवत 2078 ये आपके लिए सामान्य फलदायक रहेगा। आपके परिवार में स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित परेशानियां तो आ ही सकती हैं, जैसा आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया था कि कुछ साल का आधा भाग लगभग आप परेशान भी रह सकते हैं और आधा भाग बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो जब स्वास्थ्य खराब होगा तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है, ये तो एक सामान्य सी बात है। तो आपने जितना धन खर्च, आपका धन जो इस पर खर्च हो सकता है स्वास्थ्य पर, थोड़ा ये ध्यान देना होगा आपको। और आपको अपनी खान पान पर ध्यान रखोगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो आपका जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक रह सकती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका खान पान अच्छा हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। और जो पैतृक संपत्ति है आपको प्राप्त होने के योग भी हैं इस साल में। और इस दौरान में अपने परिवार में किसी व्यक्ति का पैसा उधार न दें, बिल्कुल ध्यान देना बात ये मेष राशि वालों, पैसा उधार ना दें वरना वापसी की उम्मीद बहुत कम है इस साल के लिए। किसी मांगलिक कार्य या जातक के विवाह के अवसर पर
धन खर्च हो सकता है, अर्थात आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, विवाह शादी वगैरह हो सकती है। और जो साल का पूर्वार्ध है आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहेगी, और साल का जो उत्तरार्ध है अर्थात आध का जो आधा भाग है वो उसमें अत्यधिक अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस समय गुरुदेव आपके पक्ष में होंगे। आपको जन्म स्थान से दूर जाने का प्रबल योग भी है इस साल में, जन्म स्थान से आप दूर जा सकते हो अपनी आर्थिक प्रगति के लिए। जन्म स्थान से दूर जाने के बाद आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है इस साल में आपको विदेश यात्रा का योग बन जाए, बस क्योंकि अभी कोरोना काल चला हुआ है इस कारण से थोड़ा एक नेगेटिव पार्ट हो सकता है। अदरवाइज़ यदि हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखें तो आपके लिए विदेश से धन आने का योग भी बना हुआ है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रह सकती है। और जो व्यवसाय वर्ग है उनका विदेशों से भी व्यवसाय होने की अर्थात एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम अर्थात बिजनेस के जो लिंक हैं विदेशों से बनने के भी पूरे योग हैं, और आपको विदेशों से लाभ होने की भी पूरी पूरी संभावना है मेष राशि वालों को। अब हम बात करते हैं मेष राशि की ही, मेष राशि वालों की परीक्षा और प्रतियोगिता के संबंध में। मेष राशि वालों की परीक्षा प्रतियोगिता के संबंध में या करियर के दृष्टिकोण से ये जो साल है आपके जन्मस्थल से दूर क्षेत्र की यात्रा तो कराने वाला है ही, और अच्छा है ये, विदेश की यात्रा भी हो सकती है आपके लिए, और करियर में उन्नति के लिए यात्रा भी होगी, अर्थात परीक्षा देने के लिए आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। और गुरु का जो दशम भाव से बाद में ग्यारहवें भाव में जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा है, सफलता प्रदान करने वाला है, क्योंकि कर्म भाव पे दृष्टि, कर्म भाव में उसके बाद लाभ भाव में उनका गोचर आपके लिए अच्छा है। और हाँ, एक बात जरूर रहेगी, जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कभी भी सरकारी नौकरी नहीं लगती, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मेष राशि वालों की घर परिवार और समाज के बारे में। तो मेष राशि वालों, आपके घर परिवार और समाज के संबंध में जो मुख्य प्रेडिक्शन है वो पारिवारिक रूप से ये जो साल है सन 2078 का, तो ये सामान्य है अर्थात आपके लिए शुभ भी है कह सकते हैं। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और माँ बाप के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो माँ बाप हैं उनको समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, सलाह लेते रहें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए के योग तो बन रहे हैं, परंतु बीच बीच में ग्रहों की जो स्थिति है वो डावाडोल भी हो जाती है, अर्थात बीच बीच में कभी स्वास्थ्य खराब हो गया कभी स्वास्थ्य ठीक हो गया, तो ये बना रहेगा। और इस साल का जो गुरु है, गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा होने से तो जो कफ है मोटापा है या मधुमेह की समस्या आपको आ सकती है। और क्योंकि दशम भाव में इसमें शनि गोचर कर रहे हैं, तो और इससे ससुराल पक्ष के लोगों को शारीरिक लाभ भी हो सकता है, जिससे आपका अच्छे ही साल में आपको कुछ धन भी खर्च हो सकता है समाज परिवार और घर के लिए। इस साल में कुछ आपके प्रति आपके जो दान देने की प्रवृत्ति भी हो सकती है, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, और ऐसा करने से आपको मानसिक शांति भी मिलने की पूरी पूरी संभावना है, पूरे पूरे योग हैं। तो दर्शकों, ये था मेष राशि वालों का मुख्य रूप से फलादेश। अब हम अगली राशि करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि का आपको पता ही है, तो इसके जो नाम वर्ण होते हैं वो ई ऊ ए ओ वा वी वू वे वो, ये नौ वर्ण ही वृषभ राशि के होते हैं। वैसे हर राशि के वर्ण नौ ही होते हैं, आपको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि 12 होती हैं और हर एक राशि के 12-12 ही वर्ण होते हैं, 12 में 108, टोटल 108 होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे नक्षत्र हमारे 27 हैं,
और 27 नक्षत्रों के टोटल, ये हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 के 108, 108 चरण होते हैं। हर चरण के लिए, हर चरण में पैदा होने वाला जातक है उसके लिए एक एक वर्ण का निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से हर हर राशि के 9 ही वर्ण होते हैं। तो अब हम बात करें थे वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि को भी इसी प्रकार से हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। वृषभ राशि वालों का आजीविका के संबंध में, स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, शिक्षा, प्रतियोगिता और घर परिवार और समाज के बारे में। तो वृषभ राशि वालों की जो आजीविका के संबंध में हम सबसे पहले बात करें, तो रोजी रोटी के नए आयाम तलाशने का आपको भरपूर प्रयास करेंगे। अर्थात आप नया काम खोज रहे हैं, भाई कोई और नया काम मिल जाए और उसको प्रयास भी करोगे, उसमें सफल भी हो जाओगे। रचनात्मक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। जो क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी माइंड है आपका, उसके प्रति ज़्यादा आपका रुझान बढ़ेगा। और विशेष रूप से ये जो साल है, साल 2078 और संवत 2078, या हम कहें संवत शक 1943 या 2021-2022, तो विशेष रूप से जो ये साल है आपके लिए तरक्की और सराहना और बेहतर जीवन को प्राप्त करने वाला होगा। और राहु का जो गोचर इस समय चला हुआ है, राहु का इस समय वृषभ राशि में है, राहु का जो गोचर इस समय चला हुआ है वो आपके लिए व्यापारिक क्षेत्र में बहुत उन्नति और आर्थिक स्थिति लाभ देने वाला है। अर्थात राहु आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है। और यह आपके जो अवांछित माहौल में कार्य भी करा सकता है, राहुदेव की बात हो रही है। और शनि का जो आपके कुंडली में नवम भाव का जो गोचर है आपको स्वतंत्र व्यवसाय की ओर प्रेरित करेगा। अर्थात आप अपना चाहोगे कि हमारा अपना अलग से खुद का व्यवसाय हो, खुद इंडिपेंडेंट कारोबार हो। जो व्यापारी वर्ग है उनके बारे में बात हो रही है। हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की स्वास्थ्य के बारे में। वृषभ राशि वालों की स्वास्थ्य के बारे में, तो वृषभ राशि वालों का जो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और अगस्त के बाद स्वास्थ्य संबंधी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और शनि आपके नवम भाव में इस समय मकर राशि में है, तो गोचर कर रहे हैं, या शनि आपके स्वास्थ्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आपको घुटने के ऊपर में जो जांघों के रोग हैं वो भी हो सकते हैं, घुटनों के दर्द भी हो रह सकते हैं। और अतः सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है और अपने खान पान का ध्यान रखना भी ज़रूरी है वृषभ राशि वालों को। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की ही आर्थिक स्थिति के बारे में। जो साल 2021 है और 2022, अर्थात 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक का जो फलादेश हम अभी कर रहे हैं, ये जो इस साल में शनि स्वास्थ्य, भाग्य और जो सुख है उनको प्रभावित करेगा। और गुरु इस समय वित्तीय विषयों में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है आपके लिए। जो धन विनियोजन की जो प्रबल करने वाले जो योग हैं वो थोड़ा सा अपने ध्यान से करने हैं, विवेकशीलता से काम करना है। बिना सोच समझे कहीं पैसे ना लगाएं, ये ध्यान रखें। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना हो, कई कई बार सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करना, बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा मत लगाना। विशेषजनों से वैचारिक मतभेदों के रहने से आपको कार्यक्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आपसे सुझाव यही है कि जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, आपके जो सीनियर लोग हैं, उनसे बना करके रखो, उनसे मतभेद ना बनाओ। अच्छा, आय में अनियमितता का भाव बना हुआ है, आय कम या ज़्यादा होगी, फिक्स नहीं हो पाएगी। ये साल जो है ना, खासकर जून जुलाई के माह का, ये जो चुनाव इसमें जो ये जो जून जुलाई का जो महीना आएगा उसमें आपके आर्थिक स्थिति में कुछ फायदा होने वाला है। और उसके बाद के महीनों में आर्थिक स्थिति में कुछ और सुधार होंगे। और आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आपको आर्थिक मजबूती के लिए कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, ये ध्यान देना। और आपके लिए जो यात्राएं हैं वो फायदेमंद रहेंगी,
मतलब जैसे आप कारोबार के लिए जब यात्रा करेंगे वो फ़ायदेमंद रहेगी, और आपसे सलाह दी जाती है क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है, कोरोना काल में आप अपने जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनको ध्यान में रखते हुए ही यात्राएं करें। और अब हम बात करते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता के संदर्भ में वृषभ राशि वालों का। तो वृषभ राशि वालों का जो ये साल है संवत 2078, ये इसमें आपको लगभग शिक्षा के क्षेत्र में मध्यम योग हैं, और कुछ स्थिति में आपको भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अच्छा, माता का स्वास्थ्य सुख शांति भी प्रभावित होगी, इस वजह से आपकी जो शिक्षा है वो प्रभावित हो सकती है माता के स्वास्थ्य के कारण। अच्छा, और जो दुश्मनों को परास्त करने के लिए, आपके जो प्रतियोगी हैं उनको परास्त करने के लिए उसको आपको अपने नए नए जो जो नीतियाँ हैं वो आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इस टाइम में आपको कुछ गुप्त शत्रु भी उभर सकते हैं। अब हम बात करते हैं घर परिवार और समाज के संबंध में वृषभ राशि वालों की, घर परिवार और समाज में क्या फलादेश रहने वाला है। तो पारिवारिक सुख समृद्धि के तो प्रबल योग बन रहे हैं, उस हिसाब से अच्छा है ये समत आपके लिए। और नववर्ष के जो आगमन के साथ आपके जो संतान के भाव है वो उसमें कुछ अशुभ प्रभाव उसमें अशुभ प्रभाव हट जाएंगे संवत 2078 की शुरुआत में। आपकी जो संतान बाधा थी, संतान बाधा इस राशि वालों को हो रही है, वो संतान बाधा दूर होने के पूरे पूरे संभावना है। अर्थात ये उन दंपत्ति के लिए बहुत ही शुभ है जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कत थी, जिनको संतान में बाधा थी, उनके लिए ये जो संवत है ये बहुत ज़्यादा शुभ है, और परमात्मा ने चाहा तो उनके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। बस अपनी जो डॉक्टरी इलाज है उसको अपना कंट्रोल रखना, डॉक्टरी इलाज के इस संबंध में कोई कोताही ना बरतना। और परमात्मा ने चाहा जो भाग्य की सपोर्ट है आपको इस साल में, आपको भाग्य की सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है, और आपके घर में किलकारियाँ गूंजने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये था हमारा वृषभ राशि वालों का सामान्य फलादेश वर्ष संवत 2078 का। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि के संबंध में। अब हम इसके टोटल जो 12 की 12 राशियां हैं हम इसको तीन तीन राशियां करके करेंगे, क्योंकि यदि हम सारी 12 की 12 एक ही वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तीन तीन राशियों करेंगे, जैसे मिथुन राशि तक इस वीडियो में हम करेंगे, उसके बाद कर्क राशि से कर्क सिंह और कन्या राशि की एक अलग वीडियो बना लेंगे, उसके बाद ऐसे ही तुला तुला वृश्चिक और धनु की एक अलग वीडियो बना लेंगे, और लास्ट की तीन राशियों का जिसमें मकर कुंभ और मीन राशियों के अलग वीडियो बना लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि की भी, इसे भी हम ऐसे ही पांच भागों में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मिथुन राशि का पता होना चाहिए, मिथुन राशि के जो वर्ण हैं वो क की कु घ ढ छ के को और है आता है, तो ये मिथुन राशि होगी। और मिथुन राशि वालों का जो सामान्य जो फलादेश है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आजीविका से, कि जो हमारे मिथुन राशि वाले हैं उनकी आजीविका कैसे रहने वाली है। तो उनके लिए देखो, एक तो समय अनुकूल नहीं है, उनकी जो ग्रह स्थिति है वो इस हिसाब से बनी हुई है कि उनकी जो ग्रह स्थिति है वो ज़्यादा अच्छे अनुकूल नहीं है। हाँ, आप में साहस और जोश की भी कमी रहेगी, धैर्य साहस ऊर्जा शक्ति और पराक्रम को बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं बनाओगे तो आपके आजीविका के संबंध में बहुत ही नुकसान हो सकता है। आपको अपने जो जोश है, काम करने का जो तरीका है वो बनाए रखना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, और मेहनत मेहनत करते रहो, परमात्मा मेहनत का फल जरूर देगा। अच्छा, मेहनत करने पर आप उन्नति भी कर सकते हो। इस अवधि में जो आपने यदि गलत निर्णय ले लिया तो आपके लिए बहुत हानिकारक होंगे, इसलिए कोई भी काम करो सोच समझ करके ही करो। वर्ष के अंत में व्यवसायिक क्षेत्र में आत्मविश्वास को बनाए रखकर लाभों में वृद्धि की जा सकती है।
वैसे तो ये साल आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा आत्मविश्वास रखो। और इसके अलावा जो अपने परिश्रम है, परिश्रम में कोई कमी ना आने दो, तो परमात्मा मेहनत का फल देता ही देता है। और आपकी आजीविका के संबंध में सामान्य आदेश यही है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की स्वास्थ्य के संबंध में। मिथुन राशि का स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य जो सुख है वो मध्यम स्तर का होगा। मध्यम स्तर का मतलब है अभी कभी अप एंड कभी डाउन, कभी स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो गया, आपको लगा कि कोई रोग नहीं है, कभी लगा कि भी कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई बीमारी है, तो स्वास्थ्य है वो आपका मध्यम स्तर का रहेगा। मानसिक दबाव की स्थिति में आप आ सकते हैं। आपकी जो ग्रह स्थिति है इस प्रकार से बनी हुई है कि आपकी जो मानसिक परेशानियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। और जो कार्यों की अधिकता के कारण थकावट की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए काम करो और आराम भी करो, फिर काम करो आराम भी करो। ये जरूर ध्यान देना है कि काम के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब मत करना, तो क्योंकि आपका स्वास्थ्य के संबंध में, मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य के संबंध में ये साल थोड़ा सामान्य ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति में जो धन है, भूमि है, भवन है और जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं उनकी प्राप्ति के लिए आपके लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। जो ग्रह स्थिति है आपके लिए अनुकूल बनी हुई है आर्थिक स्थिति के लिए। अपने कार्यों का समय पर पूरा करने के लिए आप अपनी एक नीति बना लें कि हर काम को अपन टाइम पे करना ही करना है। अच्छा, आपको विदेशी स्थानों से भी आय प्राप्त हो सकती है। जो मिथुन राशि वाले हैं तो विदेशों से भी आय प्राप्त होने के योग हैं, खासकर जो व्यवसाय करते हैं, जो कोई ना कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए तो है ही है। और आपको जो कार्यक्षेत्र है उसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तो आर्थिक स्थिति के संबंध में आपके लिए अच्छा है पर संघर्ष के साथ अच्छा है। व्यय का जो आपका नियंत्रण बना रहेगा और आप अपने खर्च करने पर अपने नियंत्रण बनाए रखें। यदि आप खर्च करने पर नियंत्रण नहीं बना पाओगे फिर कुछ सेविंग नहीं हो पाएगी, फिर आपको तो मानसिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, यात्रा के दौरान सतर्क रहना होगा, अन्यथा चोरी और चोट लग सकती है। यात्राएं, स्थानांतरण और नौकरी में परिवर्तन के लिए समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, अर्थात जो सरकारी नौकरी या नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं जो अपनी चाहते हैं कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाए, तो उनके ट्रांसफ़र के पूरे समय योग बने हुए हैं इस साल में। परिवार के साथ यदि आप यात्राएं करते हो तो आपके लिए बहुत ही आत्मिक शांति प्रदान करने वाली होंगी, और ख़ासकर धार्मिक यात्राएं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। व्यावसायिक यात्राओं में चोर, दुर्घटना और चोरी की स्थिति बन सकती है, धार्मिक यात्राओं में नहीं, व्यावसायिक यात्राओं में। और लाभ और जो खर्च है वो आपके समान रह सकते हैं, इस कारण से आपकी सेविंग इस साल में कम रह सकती हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण, क्योंकि आपकी कमाई भी उतनी ही है और खर्च भी उतना ही है, जब कमाई और खर्च बराबर रहेंगे तो सेविंग खत्म होगी, सेविंग नहीं होगी तो मानसिक दबाव होगा, मानसिक दबाव होगा तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, और स्वास्थ्य खराब होने से आपकी आजीविका का असर पड़ता है। इस कारण से एक आयाम का दूसरे आयाम पर भी इसका असर सीधा सीधा पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता के संबंध में। जो मिथुन लग्न के जो जातक जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई परीक्षा जिन्होंने देनी है, उनमें आत्मविश्वास, मेहनत और लगन में किसी प्रकार की कमी न करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत का फल तो आपको मिले ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मेहनत से ज़्यादा फल ना मिले, पर आपको मेहनत का फल मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ष के अंत में आपको अप्रत्याशित क्षेत्र में लाभ प्राप्त होने के पूरी पूरी संभावना है। अपने जो प्रतिद्वंद्वी हैं अर्थात आपके जो कंपटीटर हैं वो आपको कमज़ोर समझेंगे और यही आप वो भूल करेंगे, आपको आपके कंपटीटर आपको समझेंगे कि ये तो हमारा कुछ भी नहीं टिक पाएगा, और यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आप उनसे आगे निकल सकते हो, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के
कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कभी सफलता नहीं मिलती। हाँ, एक बात आपको ध्यान देना होगा, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आप कंपटीटर हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। कई बार आपके जो कंपटीटर हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं, छुपे हुए हो सकते हैं, और छुप कर के वार करने वाले भी हो सकते हैं, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा। अब हम बात करते हैं घर परिवार और समाज की। मिथुन राशि वालों का घर परिवार और समाज का प्रदेश कैसा रहेगा? तो घर परिवार में वर्ष के मध्य में किसी शुभ सूचना के मिलने के आसार हैं। साल के बीच से में ना आपको कुछ शुभ सूचनाएं मिलेंगी घर परिवार में। आप घर में जो है ना अच्छा माहौल बनेगा, खुशी का माहौल बनेगा, और आपके घर में खुशियां आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। पारिवारिक संचार संपत्ति में वृद्धि होगी कुछ। हालांकि ये साल आपके लिए सामान्य रहने वाला है, खर्च भी और खर्च और इनकम बराबर बराबर से लगभग रहने वाली है, फिर भी यदि आप सावधानी बरतोगे तो आपकी कुछ सेविंग बढ़ भी सकती हैं, और सेविंग बढ़ेगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सुखों को अपने सुखों पर थोड़ा सा ध्यान कम देना होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का फल ही आपको मिलने वाला है। और आपको अपने जो भाई हैं, अपने परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ ठीक ठाक बनाए रखनी पड़ेगी। यदि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे या आपकी उनसे नहीं बनेगी तो ये आपके लिए मतलब शुभ संकेत नहीं होगा। तो आपको अपने परिवारजनों से, कुटुंबजनों से, भाई बहनों से अच्छी बना करके रखनी चाहिए, और तभी आप जीवन में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। तो ये था आज इस वीडियो में, हमने लिया है संवत 2078 के, यशक संवत 1943 के, 2021-2022 का सामान्य फलादेश, जो पूरा साल की पूरा साल का फलादेश है मुख्य रूप से। और इसमें हमने ये मुख्य रूप से इस साल का राजा, इस साल का मंत्री, और इस साल के जो चार बड़े बड़े ग्रह हैं जिनके जो एक राशि में जो एक साल से ऊपर रहते हैं, उनको उनकी स्थिति को ध्यान में रख करके बनाया है। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि मैंने आपको राशिफल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इस मेहनत के आधार पर आपको पूरा राशिफल निकालने का, पूरा निष्कर्ष निकालने का पूरा प्रयास किया है। तो आपने इस वीडियो को आगे शेयर करना है, पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर भेजनी है, जिसकी जो जो राशि पड़ती है अपनी अपनी राशि का सुनें और फिर इसको नोट कर लें, और फिर अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखें कि मैंने जो फलादेश दिया है उसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है, ताकि आप मुझे बताते रहें, और बताएंगे तभी फिर अगली बार में और प्रेडिक्शन अच्छी हो पाएगी। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। हरिओम, जय श्री राम।